Welcome to Crick Sunday with me, Suramya Kaushik. लौट आए हैं हम फिर कुछ और फ्रेश और ट्रेंडिंग टॉपिक्स के साथ. आई होप इस वीक आपके लिए इतनी खुशियां आई हों जितनी तेजी से वापस आए हैं आजकल के कुछ रिटायर्ड प्लेयर्स. खैर, इस हफ्ते हम बात करेंगे किंग कोहली के 15 साल से लेकर बेन स्टोक्स के 15 महीनों में ओडीआई में वापसी के बारे में, और उसी के साथ साथ वो मैजिक के बारे में तो बात होगी ही. तो आइए देखते हैं क्या क्या हुआ इस वीक. इस वीक किंग कोहली ने पूरे किए अपने 15 साल इंटरनेशनल क्रिकेट में. और बात करें हम किंग कोहली की, तो उन्होंने एंट्री तो मारी थी फुल ऑन एंग्री यंग मैन स्टाइल में. याद है वो आपको दीवार का एंग्री यंग मैन, वैसे ही थे किंग कोहली. फिर कुछ सालों में कोहली ने अपनाया मोहब्बतें के अमिताभ बच्चन का परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन का रोल और बन गए सुपर फिट किंग कोहली. लेकिन इन 15 सालों में उन्होंने क्या कमाया? आई नो आप लोग सोच रहे होंगे पैसा, पैसा ही पैसा होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो उनकी सिर्फ अर्निंग्स की ही चर्चा है. लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं प्यार की, और वो प्यार मिला सोशल मीडिया पर. जैसे ही कोहली के 15 साल पूरे हुए, सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्रेंड कर दिया 15 इयर्स ऑफ विराट कोहली, विराट कोहली द गोट, और काफी कुछ ट्रेंड हुआ. और उसी के साथ साथ रियल लाइफ में फैंस का क्या कहना है अपने फेवरेट कोहली के बारे में. विराट कोहली मेरा फेवरेट प्लेयर है क्योंकि वो इंडिया को बहुत सारे मैचेस जिताता है. मुझे उसका कवर ड्राइव बहुत पसंद है क्योंकि जब वो कवर ड्राइव लगाता है ना, तो उसके आगे तो कोई टिक नहीं पाता, ना बाबा आजम ना कोई और. टीम की बैकबोन है विराट कोहली. भाई उन्होंने तो कई बार कई मैच जिताए, हारे हुए मैच जिताए, और वो सीनियर खिलाड़ी हैं, वो बढ़िया खेलते हैं. जो पाकिस्तान के खिलाफ उसने मैच करा था, मतलब दैट वाज कंप्लीटली आउटस्टैंडिंग. तो भाई विराट कोहली तो मुझे बहुत पसंद है. जो विराट कोहली बात है वो यंगस्टर में नहीं आई है, अभी एक्सपीरियंस प्लेयर है काफी. तो काफी सारे मैचेस जिताए हैं इंडिया को, और 15 साल हो गए हैं इंडियन क्रिकेट टीम में. लास्ट मैच तो भाई वर्ल्ड कप वाला था, चुम्बेश्वरी मैच था. Now let's go to the Irish land because Bumrah magic has stunned everyone. हमने शुरुआत की थी वापसी से, और इस बार जब हम वापसी पर चर्चा कर रहे हैं तो कैसे हो सकता है कि हम बुमराह को पीछे छोड़ दें, क्योंकि बुमराह ने क्या कमबैक किया. पहले ही ओवर में बुमराह ने लिए 2 विकेट्स पहले T20 मैच में आयरलैंड के खिलाफ, एंड द वे ही नॉक्ड ओवर एंडी बैलबर्नी विद एन इन स्विंगर, इट वॉज प्योर मैजिक. He showcased his skills, not only his bowling skills, क्योंकि उसके बारे में तो हम सब जानते हैं, but his captaincy skills. He won the toss, chose to bowl, and then he made the best use of conditions by sending off the Ireland top order quickly. तो बात करें बुमराह की, यॉर्कर, शॉर्ट बॉल, सीम, स्विंग, सब कुछ दिखा दिया बुमराह ने, और उसके साथ साथ ले गए वो प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी. खैर बारिश ने थोड़ा काम तो खराब किया, लेकिन उनके कमबैक से सोशल मीडिया पर खुशी की लहर आ चुकी है, एंड इंडियन क्रिकेट फैंस आर सुपर सुपर हैप्पी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज बुमराह का इंतजार तो एक साल से हो रहा था. आइए एक जोक सुनते हैं. जोक का नाम है रिटायरमेंट. नहीं समझे? वेल दैट्स द जोक. ये एक नया जोक है क्रिकेट वर्ल्ड में. जैसे बचपन में हम जब खेलते थे ना, हम कहते थे टाइम प्लीज, क्योंकि हमें रेस्ट चाहिए होता था. वैसे ही आजकल ये फैशन चला है रिटायर होने का, और उसके बाद जब मन किया वापस आ जाने का. और इस लिस्ट में नया नाम जुड़ा है बेन स्टोक्स. पिछले साल जुलाई में बेन स्टोक्स ने ओडीआई क्रिकेट को बाय बाय किया, लेकिन इस साल फिर वापस आ गए. अब इस हफ्ते उन्होंने अपनी वापसी बताई ओडीआई फॉर्मेट में, एंड आई एम टेलिंग यू, आपने सुना होगा वो उधार लेता हुआ दोस्त, हार्दिक पांड्या की पोस्ट मैच इंटरव्यू में कही गई बातें, और रिटायरमेंट अनाउंस करते हुए क्रिकेटर्स. और ये जितनी भी बातें मैंने कही है ना, कभी भी इन्हें सीरियसली मत लेना, क्योंकि ये कभी भी कुछ भी कह सकते हैं. खैर बेन स्टोक्स तो अब आएंगे वापस ओडीआई में, खेलेंगे वो इस साल का वर्ल्ड कप भी. पर हम बात करते हैं अपने एक्सपर्ट जेमी ऑल्टर से, उनका क्या कहना है इस बारे में, क्योंकि ये तो एक अब मजाक हो गया है. द मोमेंट दैट बेन स्टोक्स लास्ट ईयर उन्होंने कहा था कि मैं अब वनडे क्रिकेट नहीं खेलूंगा, स्केड्यूल को देखते हुए, वर्कलोड को देखते हुए, अपने कमिटमेंट्स को देखते हुए, बॉडी को, फिजिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, एंड द फैक्ट दैट ही सेड कि आई डू नॉट फील लाइक
कमिंग बैक नेक्स्ट ईयर यानी कि इस साल टू डिफेंड द वन डे क्राउन दैट आई हेल्प्ड इंग्लैंड विन इन 2019 इन एपिक फाइनल लॉर्ड्स. मैंने कहा भाई बात तो सही है बंदे की, यू नो दिस इज दिस जनरेशन्स क्लच, अ बेस्ट ऑलराउंडर, आर्गुएबली द बिगेस्ट मैच विनर अक्रॉस फॉर्मेट्स. क्योंकि आप आंकड़े बताते हैं कि बेन स्टोक्स ने क्या क्या हासिल किया है, चाहे टेस्ट मैच में या वन डे वर्ल्ड कप फाइनल में या T20 वर्ल्ड कप फाइनल में. ही इज अ मैच विनर, ही इज परहैप्स द ग्रेटेस्ट क्लच मैच विनर ऑफ दिस जनरेशन. तो जो ऐसे बड़े प्लेयर जो कि कप्तान भी है टेस्ट टीम के, जब वो कह रहे हैं कि मैं अगले साल नहीं आऊंगा वापस, तो ऐसे बात तो सही है, मैं समझ सकता हूँ कि वो किस लिहाज से बात कर रहे हैं. बट आई एम श्योर द ECB, ब्रेंडन मैककलम, हिज ओन टीममेट्स, हिज everyone involved in the system will say, "Bhaiya Ben, suno, aa jao." और मुझे यकीन था कि इस साल के वर्ल्ड कप के पहले कोई ना कोई डिस्कशन होगी, डिबेट होगी, और देखिए वही है. तो ऐसा नहीं है कि जब बेन स्टोक्स ने पिछले साल ये कहा था, और आपको ये भी याद रखना होगा सुरम्या कि the time that Ben Stokes gave these comments last year was in the middle of a very heated debate about the future of one day cricket. तो मैंने कहा यार लोग कह रहे हैं, बड़े दिग्गज खिलाड़ी, पूर्व खिलाड़ी, एनालिस्ट, पंडित सब कह रहे हैं कि यार वन डे का क्या होगा, ये बायलैटरल वन डे क्यों चल रहा है, ऐसा फ्यूचर क्या है. उस बीच एक कॉमेंट आया बेन स्टोक्स द्वारा कि मैं अभी वन डे क्रिकेट से नहीं, अपना रिटायरमेंट ले रहा हूँ कुछ 32 की उम्र में. तो मैंने कहा आई एम नॉट सो श्योर, लेट्स वेट 9-10 months, 11 months एंड सी व्हाट हैपेंस. देखो वही हुआ, ECB ने पूछा, अब बेन स्टोक्स वापस आ गए. उससे पहले दोस्तों, इस एशेज से पहले, वही मोइन अली जो बेन स्टोक्स के टीममेट रह चुके हैं वन डे वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में, टेस्ट क्रिकेट में काफी साल से, उन्होंने कहा था कि मैं अब टेस्ट नहीं खेलूंगा, वो आग नहीं है, वो चाह नहीं है मेरे अंदर, आई प्ले T20s, आई प्ले वन डे, आई प्ले लीग्स. बेन स्टोक्स ने SMS किया तो वो भी वापस आ गए. तो ये जो ब्रिटिश खिलाड़ियों का, और हम यहाँ बहुत बड़े प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, मोइन अली, बेन स्टोक्स, इनका ये फट से यू टर्न लेना कह सकते हैं कि थोड़ा फ्लिमजी है, मजाक भी है, पर आई थिंक इट्स बेस्ट केप्ट टू सोशल मीडिया. इट्स ग्रेट फॉर्डर फॉर सोशल मीडिया मीम्स, इट्स ग्रेट फॉर्डर टू हैव सम जोक्स, बट आई थिंक दे शुड आल्सो टेक इट अ बिट सीरियसली. वेल यू आर राइट जेनी, क्रिकेट इज समटाइम्स अ वेरी फनी गेम, एंड जनरली इफ वी सी क्रिकेट देन समटाइम्स द लाइंस आर क्रॉस्ड एज़ वेल. बट लेट मी टेल यू, the lines are getting crossed on social media as well, because over there the party of reels and memes is just going on and on. aur jaisa hum hamesha kehte hain, jab tak ye party chalti rahegi social media par, tab tak aap log jude rahenge Cricket Sunday mein, every Sunday at 11 am only on Cricket Next.